फ्रेंड्स, वेलकम टू विलन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मीशो की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके हमसे पूछा कि हमें मीशो की फ्रेंचाइजी लेनी है। उन्होंने गूगल पे भी काफ़ी सर्च करा मीशो की फ्रेंचाइजी के बारे में, बट काफ़ी सारे लोगों को क्लियर आंसर नहीं मिला कि वो मीशो की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं नहीं ले सकते, और ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मीशो के बारे में, कैसे आप इनके फ्रेंचाइज पार्टनर बन सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं मीशो। मीशो 2015 के अंदर चालू हुआ था इंडिया के अंदर एक स्टार्टअप। अब मीशो एक लीडिंग सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में। मीशो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये इस समय जीरो कमीशन प्लस जीरो पेनल्टी मॉडल के ऊपर ऑपरेट करता है। ऑब्वियसली फंडेड स्टार्टअप है तो ये इस समय बियर कर सकते हैं। अब ये पैसा कैसे कमाते हैं? मीशो पैसा कमाते हैं डिलीवरी चार्ज लगा के। जितनी डिलीवरी मीशो करेगा उतना वो पैसा बनाएगा। उसके बाद मीशो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स चलाता है। अब जितने आपको एड्स चलाने जो इनके सेलर्स हैं उतना ये पैसा बनाते हैं मीशो कंपनी। अब इन्होंने अपने मॉडल में क्या करा कि इन्होंने तेज़ी से एक्सपेंशन के लिए फ्रेंचाइजी पार्टनर डिलीवरी पार्टनर्स ढूंढना चालू करे। बट अल्टीमेटली मीशो ने बहुत सारा इनोवेशन करा, R&D करा। उसके बाद आज मीशो 28,000 प्लस पिन कोड के ऊपर इस समय हिंदुस्तान में डिलीवरी कर रहा है। अब बात करते हैं कि मीशो की आप फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हो, उनके पार्टनर कैसे बन सकते हो। देखो, मीशो इस समय अपने डायरेक्ट फ्रेंचाइजी पार्टनर नहीं बना रहे। जी हाँ, मीशो के डिलीवरी पार्टनर्स हैं। आप डिलीवरी पार्टनर्स की फ्रेंचाइजी ले सकते हो बट मीशो की फ्रेंचाइजी डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ऑनलाइन कोई आपको मीशो की फ्रेंचाइजी बेच रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। आप इनके डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हो, बट डायरेक्टली मीशो की कोई भी फ्रेंचाइजी मार्केट के अंदर इस समय अवेलेबल नहीं है। अमेजॉन भी अपनी डिलीवरी फ्रेंचाइजी देता है बट लिमिटेड सिटीज़ के अंदर, लिमिटेड लोगों को। अगर आपको डिलीवरी फ्रेंचाइजी के बारे में जानना है, इस बिज़नेस के अंदर एंटर करना है, या फिर कोई भी आप फ्रेंचाइजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं बिलियन प्रीत पे। इस समय हमारे पास 800 प्लस ब्रांड्स हैं जिनकी हम फ्रेंचाइजी देते हैं, और हम इंडियन इन्वेस्टर्स को, इंडियन बिजनेस ओनर्स को मदद करते हैं राइट फ्रेंचाइजी चूज़ करने के अंदर, राइट फ्रेंचाइजी मॉडल चूज़ करने के अंदर। को देखिए, बाहर की ब्रांड्स KFC, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज और इंडिया की ब्रांड्स जैसे हल्दीराम, ये लोग एक्सपेंशन क्यों कर पाए? इनके पास राइट कंसल्टेंट थे, स्ट्रेटेजी थी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, और इनको पता है SOP कैसे बनानी है, प्रॉफिटेबल कैसे करना है अपने आउटलेट्स को, और एक्सपेंशन कैसे करना होता है, ब्रांड इक्विटी क्या होती है। आज के टाइम में जो हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको एक्सपेंशन करना है, फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर जाना है, या फिर ऐसे लोग जिनको फ्रेंचाइजी लेनी है उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, अल्टीमेटली वो ले तो लेते हैं फिर फ्रेंचाइजी बंद करनी पड़ती है क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमा पाते। वर्किंग कैपिटल का इशू आता है, एम्प्लॉयज़ का इशू आता है, स्टाफ का इशू आता है, SOP का इशू आता है, या फिर ब्रांड ने ढंग से गाइड ही नहीं करा होता है। जैसे अभी पिछले दिनों MBA चाय वाला के साथ हुआ, उसके ऊपर हमने डिटेल में 2 वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ एंड कॉमेंट्स भी उसके ऊपर आए। एंड देखिए, MBA चाय वाला में क्या हुआ था कि MBA चाय वाला में लोगों ने फ्रेंचाइजी तो ले ली, बट 90 रुपये की चाय मार्केट में कौन पिएगा? अब MBA चाय वाला बड़ी सिटीज़ में जाता, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, तो वहाँ 90 रुपये की चाय बिकती, 200 रुपये की चाय बिकती, बट इन्होंने मोटिवेशनल बातें करी वो भी हिंदी में, तो वो सुनती गांव की जनता, छोटे सिटी की जनता, तो वहाँ इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा थी, जैसे कोटा, उदयपुर, जयपुर, राजकोट, छोटे सिटीज़ के अंदर। बट वहाँ पे थपड़ी की चाय मिलती 5-10-15 रुपये की, वहाँ 90 रुपये नहीं देगा। कॉरपोरेट में जाओगे 500 रुपये कॉफ़ी के मिलेंगे, 100 रुपये चाय के मिलेंगे, बट छोटी सिटीज़ में आओगे जब थड़ी पे लोग बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हैं और 15-20 रुपये से ऊपर बेच ही नहीं सकते हो, मार्केट ही नहीं है। उसके अंदर इन्होंने सोचा कि हम मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, वीडियोज़ को वायरल करेंगे, तो कस्टमर 90 रुपये की चाय खरीद लेगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। एक आउटलेट इनका 500 रुपये से भी ज़्यादा की चाय नहीं बेच पाया पर डे में, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती है। वहीं चाय सुट्टा बार 10 रुपये की चाय बेच रहा था, जिससे कस्टमर एक्वायर कर रहा था, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन था वो उनका, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप फ्रेंचाइजी के अंदर 10 रुपये की चाय बेच के। बट बर्गर, पिज्ज़ा, समोसा, बहुत सारे आइटम्स उन्होंने अपने मेन्यू के अंदर ऐड करे, उसको प्रॉफिटेबल बनाया मॉडल को अपने फ्रेंचाइजीज़ के लिए। तो ऐसे ही हम हमारे क्लाइंट्स को मदद करते हैं स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी मॉडल बनाने के अंदर, जिससे वो अपनी ब्रांड को ग्रो कर पाए। अगर आपको फ्रेंचाइजी के बारे में जानना है, फ्रेंचाइजी लेनी है, एक्सपेंशन करना है, तो हमें इस नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको मदद करेगी राइट फ्रेंचाइजी ऑप्शन चूज़ करने में। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही हम इसे काम की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों तक पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।